अब ये लोग हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद, ना ही सिखाए तो बच्चा रहेगा। कि ऐसा है, सरकार बहुत सी चीजें खुद अपने मुंह से कहती है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के मुंह से कहलवाती है। मैं मानती हूँ कि ये सरकार के डर का प्रतीक है कि बंगाल में फर्क पड़ेगा। अब किसान आंदोलन की है, आज हमने यहाँ पर एक लीगल सेल की स्थापना की है, उसको मुझे लगा कि मेरा ये कर्तव्य बनता है एक फौजी की बेटी होने के नाते, एक किसान की बेटी होने के नाते, कि मुझे अगर कांग्रेस में इतना दम होता तो सरकार ना बना लेती। वो इतना दम ही नहीं है क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने कुछ किया नहीं, इसलिए तो सरकार का सामना करने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ा। अगर विपक्ष ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। क्योंकि विपक्ष ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जब ये कानून पास किए जा रहे थे, क्यों नहीं आंदोलन किया विपक्ष की पार्टियों ने इकट्ठे होकर? रोका था किसी ने उनको? क्यों नहीं किया? जो दूसरे लोगों पर नाम लगाते हैं चुनाव जीवी, वो चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए ही जीते हैं। तो मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि ये किसान नहीं है, इनको परजीवी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड भी चुप है, तो ऐसे में आपके में क्या ऐसी बात हुई जो आप यहाँ पे आके समर्थन करने के तैयार हो गए? मैं तो किसान आंदोलन के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ और उसका बहुत बहुत आसान सा जवाब है कि क्यों जुड़ी हुई हूँ। वो इसलिए कि मैं एक किसानी परिवार से हूँ और मैं एक फौजी परिवार से हूँ, और अधिकतर लोग जो फौज में जाते हैं वो किसानी परिवारों से जुड़े होते हैं। और जब मुझे देखने को मिला कि अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर बदनाम किया जा रहा है, इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगा कि मेरा ये कर्तव्य बनता है एक फौजी की बेटी होने के नाते, एक किसान की बेटी होने के नाते, कि मुझे यहाँ पे आके इनके समर्थन में खड़े होना है। रही बात किसान आंदोलन की है, आज हमने यहाँ पर एक लीगल सेल की स्थापना की है, उसका उद्घाटन किया है राकेश तिकाय जी और मैंने, और दो तीन और हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता थे। और ये लीगल सेल की स्थापना वासु कुकरेजा जी ने के नेतृत्व में की गई है, और ये की गई है उन किसानों के लिए जिनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है केसों के साथ, नोटिस के साथ, कि अलग अलग इस प्रकार के धाराएं लगाई जा रही हैं जिनकी समझ शायद नॉर्मल इंसान को नहीं होती, तो उनकी सहायता के लिए ताकि हरासमेंट टैक्टिक्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उनको किस तरीके से कानूनन कार्रवाई करते वक्त किसानों के पास हमेशा एक एडवोकेट अवेलेबल हो, वो लीगल सेल हमने आज ये शुरू किया है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ लोग आ रहे हैं, आप आए किसानों के समर्थन में, दूसरी तरफ किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट बंद कर दिया गया, पानी की सेवा बंद कर दी गई, बॉर्डर लगा दी गया, चारों तरफ कीले लगा रखी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब एक सरकार अपने ही नागरिकों पर इस तरीके का मैं अत्याचार नहीं कहना चाहूँगी पर और कोई शब्द नहीं है, जब इस तरीके का व्यवहार सामने लेकर आ रही है, तो आपको आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सरकार भयभीत हो चुकी है। मैं मानती हूँ कि ये सरकार के डर का प्रतीक है कि सरकार इतना कुछ कर रही है कि वो इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, तोड़ना चाहती है। देखिए, तमाम बड़े चेहरे हैं, जैसे बॉलीवुड की बात कर ले, सचिन, ये अक्षय कुमार हो गए, कंगना रनौत, तमाम बड़े चेहरे किसान आंदोलन के खिलाफ हैं। देखिए, अब कौन किनका ज़मीर क्या उन्हें कहता है और उनका क्या जज्बा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, कौन खिलाफ़ है, कौन साथ है। देखिए, ऐसा है, सरकार बहुत सी चीज़ें खुद अपने मुंह से कहती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के मुंह से कहलवाती है। अब कौन क्या कहलवाया, किसके ज़रिए क्या कहलवाया जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, आतंकवादी का है, खासकर कंगना रनौत आप भी उस इंडस्ट्री से आती है, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से बचना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को? देखिए, हर व्यक्ति के ऊपर एक 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 उनका जो उनकी जो अंदर की आवाज़ है, जब वो दब जाती है और जब वो उनको लगता है कि उन्हें एक अलग तरीके से शायद अपने आप को पेश करना है किसी भी कारण से, तो फिर वो सब करते हैं। मतलब और कहने के लिए, मतलब ऐसे लोगों पर क्या कहा जाए, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है ऐसे लोगों पर। आपके पास शब्द नहीं है, लेकिन वो झांसी की रानी कही जाती है, तो फिर आप क्या हैं अगर झांसी की रानी? तो बुलेट की रानी से खुश है, बुलेट की रानी से खुश है। अच्छा, बस बुलेट की रानी जी, तो रानी भी नहीं है, बस बुलेट, बस बुलेट है। हाँ, बस भारी कौन पड़ेगा? मुकाबला ही नहीं है उनके साथ, तो भारी बनने का मतलब क्या है?
ये मुकाबले की बात हो रही है, लोग माने जाते हैं, आप लोगों को तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहा जाते हैं। देखिए इसी आरोप से तो हम यहाँ आके पहुँचे हैं, हमारे हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने 150 साल सरकार की यहाँ पे सेवा की है, देश के लड़ाई लड़ी है। एक एक लड़ाई जो इस देश में लड़ी गई है उसे मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊजी ने लड़ी है। अब ये लोग हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद, ना ही सिखाए तो बच्चा रहेगा। हम इससे पहले जितनों जैसे भी आंदोलन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं लास्ट सवाल है, मैम इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं लोगों के ऊपर हमेशा कार्रवाई हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, क्या लगता है कि जैसे आप लोग आगे आ रहे हैं तो सरकार इस पे भी तो दबाव बना सकती है? तो मालूम पड़ेगा जब दबाव आएगा, फिलहाल तो नहीं आया है। और मैं एक लेवल पर हमारे संविधान में, हमारे हमारे न्यायालय में और हमारे हमारी सरकार की निरपक्षता में मैं विश्वास रखती हूँ कि वो अपनी एजेंसीज का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी उन लोगों को हरास करने का जिन्होंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जनता को बताएं कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, और जो लोग सोच रहे हैं कि ये किसान नहीं है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसान नहीं है तो फिर कौन है, किसके पास, मतलब कौन है अपने इतने महीनों से अपने घर छोड़कर सर्दी में, अब तो गर्मी भी शुरू हो रही है, यहाँ बैठेगा क्यों करेगा कोई? ये इस तरीके के तो बोला जा रहा है, ये तो बोला जा रहा है, अगर कांग्रेस में इतना दम होता तो सरकार ना बना लेती, वो इतना दम ही नहीं है क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने कुछ किया नहीं, इसे तो सरकार का सामना करने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ा। अगर विपक्ष ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि विपक्ष ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जब ये कानून पास किए जा रहे थे, क्यों नहीं आंदोलन किया विपक्ष की पार्टियों ने इकट्ठे होकर, रोका था किसी ने उनको, क्यों नहीं किया, काम तो उनका है ना ये। मैम विपक्ष तो खत्म हो चुकी है ना इस हिसाब से देखा जाए, नहीं पर आंदोलन तो कर सकती है ना, सड़कों पर तो उतर सकती है ना, क्यों नहीं किया? ये तौर पे गलत है क्योंकि उनकी बेस नहीं है कोई पंजाब में। पर ये बात ज़रूर है कि सभी किसानी इलाकों में बहुत बहुत आक्रोश है इस सरकार के प्रति। बंगाल में फर्क पड़ेगा। अब देखिए एक नाम हमारे पास भी है इस इन लोगों के लिए जो दूसरे लोगों पर नाम लगाते हैं, चुनाव जीवी, वो चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए ही जीते हैं, तो उनको सिर्फ चुनाव लड़ने हैं और चुनाव जीतने हैं, तो उसका सवाल तो चुनाव जीवी ही देंगे, हम उसका मतलब इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो आंदोलन जीवी जिस तरीके से किसानों का जरा इसे क्या प्राउड महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द कहा? देखिए प्रधानमंत्री जी तो खुद आंदोलन जीवी रह चुके हैं, अच्छा आंदोलन किया उन्होंने, मतलब इमरजेंसी के दौरान, और हमारे देश की तो स्थापना आंदोलन से हुई है, तो क्या महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी है? और अगर है तो फिर हम बहुत गौरव से कहेंगे कि हम भी आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन तो स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव, तमाम लोग करते, तो ऐसे में उनका आंदोलन आपके आंदोलन में फर्क क्या है? क्योंकि आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता। चलिए मीडिया वॉइस आपकी आवाज।